पे। और हमारे साथ समाज सेवी डीसी कपिल जी हैं। कपिल साहब, क्या मुद्दा है जिसपे आप लाखों की संख्या में यहाँ पर आज मौजूद हैं सचिवालय को घेरने के लिए? मुद्दा ये है कि दलितों की जमीन को जबरन कब्जा करके आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर एक स्कूल निर्माण की योजना बनाई है जिसका काम चल रहा है, और वहाँ पर हमारी एक बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, वो प्रतिमा स्कूल की बाउंड्री के अंदर ली हुई है। हम पिछले काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, सरकार से अनुरोध करते रहे कि बाबा साहब की प्रतिमा को ना छेड़ा जाए, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा को गिराने के लिए वहाँ पर बुलडोजर लगा दिए गए थे, और हम लोग एक महीने से संघर्षरत थे। इसलिए आज सरकार को चेतावनी देने के लिए आए हैं कि 2 बजे तक अगर सरकार ने लिखित में हमें स्कूल के कार्य को बंद करने का ऑर्डर ना दिया तो हम आज यहाँ पर जो है इस बैरिकेड को तोड़ेंगे और पूरा प्रदर्शन करेंगे, अंदर सचिवालय में जाएंगे और आगे की रूपरेखा की घोषणा 2 बजे के बाद करें। क्या कारण है कि डीसी कपिल साहब के बहुजनों के ऊपर इतने सारे अत्याचार जुर्म जाती होती रहती है? ये सब सरकारें मनवादी सोच की सरकार हैं, और ये सरकार बहुजनों की सिर्फ वोट लेती है। इनके अंदर जो है दलित सिर्फ 2 ही दिन दलित होता है, जिस दिन इनको वोट लेनी होती है या जिस दिन अपने त्यौहार मनाने होते हैं, इसके अलावा ये दलितों की कोई परवाह नहीं करते। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।